नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट वन वीडियो में मैं भेड़े और भेड़िए कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट टू वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं नर्क से बोल रहा हूं। कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं हरिशंकर परसाई जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये हिंदी के उच्च कोटि के व्यंग्यकार माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें व्यंग्य सम्राट भी कहा है। चुटीला व्यंग्य करने में हरिशंकर परसाई जी बेजोड़ हैं। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में समाज, धर्म, राजनीति आदि की कुरीतियों के प्रति करारा व्यंग्य मिलता है। इनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होता है, बल्कि व्यंग्य के द्वारा इन्होंने पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकर्षित किया है जो हमारे जीवन को दुभर बना रही है। सच पूछा जाए तो हरिशंकर परसाई जी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण को उजागर करने में सिद्धस्त हैं। इनकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं व्यवहारिक है। इनकी शैली व्यंग्यात्मक एवं मुहावरेदार है। भेड़े और भेड़िए इनकी एक श्रेष्ठ सामाजिक एवं बहुचर्चित यथार्थवादी कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमारे देश की वर्तमान राजनीति को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है तथा उस पर तीखा व्यंग्य किया है। इस कहानी के सभी पात्र जंगल में रहने वाले पशु हैं, जैसे भेड़े, भेड़िया, सियार आदि। परंतु यह कहानी जंतुओं की कथा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि इस कहानी के सभी पात्र जानवर अवश्य हैं, परंतु ये समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों के प्रतीक हैं। कहानीकार ने विभिन्न प्रतीक पात्रों अर्थात जंगल के पशुओं के माध्यम से हमारे देश की भ्रष्ट राजनीति को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। जैसे भेड़िया, भेड़िया शोषक सत्ताधारी वर्ग और आजकल के नेताओं का प्रतीक है। सियार, सियार धूर्त अवसरवादी चाटुकार वर्ग का प्रतीक है।
जो सत्ता और सत्ताधारी का गुणगान कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। भेड़ें सामान्य जनता का प्रतीक है, जिसका समाज में बहुमत होता है। ये बड़े ही नेक, भोले भाले, सीधे सादे, छल कपट से दूर रहने वाले व्यक्ति होते हैं। रंगे सियार ये कवि, पत्रकार, लेखक, धर्मोपदेशक के प्रतीक हैं, जो सत्ता और सत्ताधारी का गुणगान कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। अतः यह कहानी जंतु कथा न होकर एक प्रतीकात्मक कहानी है। लेखक ने दूषित व भ्रष्ट राजनीति को प्रतीक पात्रों के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। एक समय की बात है, एक बार ऐसा होता है कि वन में रहने वाले पशु यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें अब एक अच्छी शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। कारण उन्हें लगता है कि वे बहुत सभ्य हो चुके हैं। इस निर्णय को सुनकर वन में रहने वाले पशु समाज बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि अब वन प्रदेश में राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र शासन प्रणाली की स्थापना हो जानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप अब सुख और समृद्धि तथा सुरक्षा का स्वर्ण युग शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। अब किसी तरह का भय नहीं रहेगा, अब वे निश्चिंत पूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। उस वन में बहुत सी भेड़ें भी रहती थी। वे समझने लगी कि सचमुच ऐसा हो जाने पर तो अब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। उन्हें इस बात का हमेशा डर लगा हुआ रहता था कि भेड़िया कहीं उन्हें खा न ले, इसीलिए वे घास तक सूंघ-सूंघ कर खाती थीं। वे बड़ी ही नेक, दयालु, कोमल, ईमानदार और विनयी थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उनके ही प्रतिनिधि कानून बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप कोई भी जीव न तो उन्हें सताएगा न ही उन्हें मारेगा। अब वे निश्चिंत पूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। बेखौफ भोजन की तलाश में जंगल में घूम सकेंगे। यह तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। परंतु उसी वन में रहने वाले भेड़िये ऐसी सूचना पाकर बहुत चिंतित हो गए। भेड़ियों ने यह सोचा कि भेड़ों की संख्या तो बहुत अधिक है, यदि भेड़ों ने अपनी संख्या अधिक होने की वजह से यह कानून बना लिया कि कोई भी जीव किसी को न तो सताएगा न मारेगा, तो हम क्या खाएंगे और हम फिर कहाँ जाएंगे? यह सब सोचकर वे बड़े उदास हो गए। क्या उन्हें भी अब घास पात ही खाना पड़ेगा? यह सोचकर भेड़ियों का दिल बैठा जा रहा था। हर भेड़िये के पास दो चार सियार अवश्य रहते हैं, जो भेड़ियों के द्वारा शिकार खा चुकने के बाद हड्डियों में लगे हुए मांस को कुतर कुतर कर खाते रहते हैं। ये भेड़िये के पास ही दुम हिलाते रहते हैं। भेड़िया बहुत ही उदास बैठा हुआ था। बूढ़ा सियार सब कुछ जानता था कि आखिर जंगल में क्या हो रहा है, फिर भी न जानने का नाटक करते हुए भेड़िया से उसकी उदासी का कारण पूछा तो भेड़िया ने जंगल में पंचायत के चुनाव की बात बताई। सियार ने कहा कि आप सर्कस में भर्ती हो जाइए, लेकिन यहां से भागकर सर्कस में भी भर्ती नहीं हो सकते हैं। कारण वहां तो अब शेर और रीछ रहते हैं। बूढ़ा सियार अजायब घर भी
जाने की सलाह देता है, पर वहां तो अब आदमी रहते हैं, अर्थात अब आपके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। कुछ देर के बाद बूढ़े चालाक सियार ने भेड़िये के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि उनका बहुमत हो जाए तो कैसा हो। हाँ, उनका बहुमत भी हो सकता है, आपकी जीत भी हो सकती है, परंतु एक शर्त है। शर्त यह है कि उसे सियार के कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। भेड़िया यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी जीत कैसे हो सकती है, क्योंकि भेड़ियों की संख्या कुल 10% थी, जबकि शेष पशुओं की संख्या 90% थी। परंतु अंत में भेड़िया अन्य कोई रास्ता न देखकर सियार को ही अपना गुरु मान लेता है और उसकी आज्ञा का पालन करने का आश्वासन भी देता है। बूढ़े सियार ने कहा कि यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आपको यहां से भागना पड़ेगा। सोच लीजिए आपको क्या करना है। मुसीबत में फंसे हुए भेड़िये ने अंततः सियार की बात मान ली और उसे ही अपना गुरु मानकर आज्ञा पालन करने की स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन बूढ़े सियार ने अपने साथ 3 साथी सियारों के साथ आ धमका, जो पीले, नीले और हरे रंग में रंगे हुए थे। बूढ़े सियार ने कहा कि ये सभी रंगे हुए सियार हैं, महाराज ये आपके लिए चुनाव का प्रचार करेंगे। पीला सियार बहुत ही बुद्धिमान, विद्वान, विचारक, कवि तथा लेखक है। नीला सियार नेता और एक पत्रकार है तथा हरे रंग का सियार हमारा धर्म गुरु है। इतना ही नहीं, बूढ़े सियार ने भेड़िये का रूप बदला, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी माला और मुंह में घास के तिनके खोंस दिए। अब भेड़िया पूरा संत लगने लगा था। बूढ़े सियार ने उसे 3 बातों पर ध्यान देने की हिदायत दी। अब वे भेड़ों की सभा में चलेंगे, पर अपनी आंखें कभी भी ऊपर नहीं उठाएंगे, हमेशा जमीन की ओर ही देखेंगे और मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे, कारण सभा में बहुत सी भीड़ें होंगी। सियार के निर्देशानुसार भेड़िया विनय की मूर्ति बनकर भेड़ों की सभा में जा पहुंचा। सभा में पहुंचते ही भेड़िया के सभी साथी सियारों ने उसकी जय जयकार की। भेड़ें उसे देखते ही भागने लगी तो बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा कि आप लोग मत भागिए, भेड़िया राजा अब संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, अतः अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, विश्वास करें, भेड़ों से अब उन्हें विशेष प्रेम हो गया है, वे केवल अब घास ही खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। भेड़िया जाति ने भेड़ों पर जो अत्याचार किए थे उसको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वे अपना शेष जीवन आप लोगों की सेवा में ही लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, वे अपना सर्वस्व त्याग चुके हैं, अतः आप लोग बिल्कुल उनसे न डरें। फिर भेड़िया एक मासूम भेड़ के पांव में कांटा लग जाने से उसकी किस प्रकार रक्षा करता है, बूढ़ा सियार उसकी भी चर्चा करता है। दूसरे दिन मासूम भेड़ की मृत्यु भी हो जाती है, ये मासूम भेड़ की अंत्येष्टि क्रिया भी सम्मान के साथ करते हैं। तत्पश्चात सियारों का परिचय बूढ़े सियार ने इस प्रकार दिया, ये स्वर्गलोक के देवता हैं, पीले विचारक हैं, कवि हैं,
लेखक हैं, नीले वाले नेता व पत्रकार हैं तथा हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब वे स्वयं मंच पर पधार कर अपने बारे में कुछ कहेंगे, अपना परिचय देंगे। अनुरोध करने पर सबसे पहले पीले सियार यानी कवि ने हुआ हुआ का संगीत आरंभ किया, क्योंकि इसके सिवाय उसे कुछ आता भी तो नहीं था। शेष सियार भी उसके सुर में सुर मिलाने लगे। बूढ़े सियार ने स्थिति संभाल ली और स्पष्ट किया कि उनकी कविता का अर्थ है, जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही धरती पर भेड़िया है, ये सर्वशक्तिमान है, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। नीले रंग के सियार ने कहा कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं, भेड़े कोमल है निर्बल है, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती हैं, अतः निर्बल भेड़ों की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो सबल भेड़िया महाराज ही कर सकते हैं। कारण भेड़िये बलवान होते हैं, वे भेड़ों के ही भाई हैं, उन्हीं की जाति के हैं। जैसे भेड़ वैसे भेड़िया, नामों में भी कितनी समानता है। बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया जाता है, वे हर प्रकार से आपकी रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए अपने हित को देखते हुए वोट भेड़िया को देकर उसे चुनकर चुनाव में भेजें। बोलो सब भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के सियार ने कहा कि जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में अपने को पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसीलिए सब मिलकर भेड़िया को वोट दो, वे दानी हैं, संत हैं, परोपकारी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िये की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है, अर्थात यह एक देश या समाज की कथा नहीं है, बल्कि हर देश व हर समाज की कथा है। अंततः सब जगह इस प्रकार प्रचार हो जाता है। भेड़ों को यह विश्वास हो जाता है कि भेड़ियों से बढ़कर उनका कोई भी शुभचिंतक, हितचिंतक, हितरक्षक दूसरा कोई नहीं है। जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़िये को ही चुना। पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िये प्रतिनिधि बनकर आए। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िये को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसीलिए उन्हें आधी भेड़ दी जाए। इस प्रकार उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसे पहले थे चुनाव के बाद भी वैसे ही थे। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अतः भेड़े और भेड़िये हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कथा के माध्यम से कहानीकार ने हमारे देश की दूषित राजनीति को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इस व्यंग्य प्रधान कथा के माध्यम से उन्होंने शोषक भेड़ियों के द्वारा यानी आज कल के राजनेताओं के द्वारा निरीह भेड़ों यानी सामान्य जनता को बहला फुसलाकर किस प्रकार उनका शोषण करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यह उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। सच पूछा जाए तो यह कथा हमारे समाज, शासन और चुनाव प्रचार व्यवस्था पर भी व्यंग्य करती है। चुनाव लड़ने वाले भेड़िये वोट देने वाली निरीह जनता भेड़ों का शोषण करते हैं। बुद्धिजीवी और सुविधाभोगी भी भेड़िया जैसे नेताओं का ही साथ देते हैं।
अतः हमें ऐसे सत्ताधारी नेताओं, धूर्तों और चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि समाज में सुशासन आए, समाज का कल्याण हो सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अवश्य लाइक करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी या कोई गलती नज़र आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।